हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अगर हम जो है जिंक को ऐड कर दें कौन से सॉल्यूशन के अंदर, हमारे को सॉल्यूशन दे रखा है आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन सेकंड का मतलब हो गया Fe और सल्फेट का मतलब SO4। तो अगर हम FeSO4 का कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम जिंक डाल दें तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, ये हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो है हमारे को केमिकल रिएक्शन भी उसकी जो है वो लिखनी है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो माथाफोड़ी है ही नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं जो समझाता हूँ वो चीज़ों को अच्छे से समझना, कैप्चर होंगी अच्छे से जो है आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद होंगी। तो हमारे को जो है वो, और अगर मैं कोई चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ जो है वो आपको यहीं की यहीं याद हो जाए, ये मेरा काम है। तो हमारे को बोल रहा है कि कोई हमारे पास जो है FeSO4 का कोई सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास और इस सॉल्यूशन के अंदर जो है हम डाल रहे हैं जिंक। तो ये जिंक डालने से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या चेंज होगा ये हमारे को बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिए कि FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन। पेल ग्रीन का मतलब होता है हल्का ग्रीन, पेल ग्रीन होता है, या फिर लाइट ग्रीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट ग्रीन होता है, पेल ग्रीन जो है वो होता है, हल्का ग्रीन कलर का होता है, हल्का हरे रंग का होता है, ठीक है। और जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक को डालते हैं, जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक को डालते हैं तो ये जो पहले ग्रीन कलर का था अब ये हो जाता है कलरलेस, यानी कि इसका जो कलर था ग्रीन ये गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और साथ के साथ जो है इसके अंदर हल्के फुल्के जो बबल टाइप के होते हैं वो ग्रे कलर के जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। समराइज करते हैं चीज़ों को, दोबारा से देखिए, मैं जो बताता हूँ बार बार उससे इरिटेट मत होना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है FeSO4, ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का जो है ये होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर हमने क्या किया, जिंक डाल दिया। अब जिंक डालने से जो ग्रीन कलर का पहले था ये हो गया कलरलेस, कलरलेस हो गया और हल्का फुल्का इसके अंदर जो बबल टाइप के हमारे को देखने को मिलते हैं वो ग्रे कलर के जो है वो देखने को मिलते हैं। तो FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर जिंक डालने से ये ग्रीन से कलरलेस के अंदर चेंज हो जाता है और थोड़ा बहुत ग्रे भी उसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि कलरलेस और हल्के फुल्के ग्रे के कुछ बबल टाइप के जो है वो देखने को मिलते हैं। दोबारा से रिपीट कीजिए मेरे साथ, जब FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर जिंक को डाला जाता है तो पहले ये ग्रीन कलर का होता है और जिंक के डालने से ये कलरलेस और हल्का फुल्का ग्रे हो जाता है, याद हुआ। दोबारा से रिपीट कीजिए, FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है, जब इसके अंदर जिंक डाला जाता है तो ये पेल ग्रीन जो है वो कलरलेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक की तो बात थी कि इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगे। फिर हमारे को जो सेकंड पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो भी तो बताओ कैसे होगी। तो देखिए,
सबसे पहले मेरे को क्या बोल रहा है कि FeSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, जिंक डाल दिया। अब यहां पर एक बात बताओ, ये मैंने दोनों चीजें लिख दी, दोनों रिएक्टेंट इस तरफ जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, मेरे को पता है, छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था। और ये जो एरो होता है इसके इस तरफ जो होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब समझ लो। तो मैंने जो रिएक्टेंट्स लिखे हैं इसके अंदर FeSO4 है और जिंक है। अब अगर इनके अंदर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब ये जो है वो इसको तो करेगा रिप्लेस, भाई तू बाहर चला जा, क्यों, क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ, तो यानी कि ZN और SO4 और प्लस Fe जो है वो बाहर निकल जाएगा। ZN किसके साथ अटैच हो जाएगा, SO4 के साथ अटैच हो जाएगा और Fe जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है लेकिन मैं बाहर से पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि ये इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्टेंट जो होता है वो दूसरे जो उससे कम एक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस करके और खुद उसकी जगह पर चला जाता है। ये Fe जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है इसको बाहर निकाल देगा कि भाई तेरा यहां पर क्या काम है, तू तो मेरे से कमजोर है, तू तो मेरे से कम रिएक्टिव है, तू बाहर निकल। और जिंक जो है वो Fe का स्पेस ले लेता है, उसका जगह जो है वो ले लेता है, तो ZN जो है वो SO4 से अटैच हो जाता है और Fe को ये दोनों मिलकर बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Fe के कंपेरिजन में। अब सर ये कैसे पता चलेगा, तो रिएक्टिविटी जो टेबल हमने जो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी थी वो आपने अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर ये चीज़ होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं दिखाता हूं आपको, अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये देखिए यहां पे जो रिएक्टिविटी सीरीज की जो टेबल हमने देखी वो इस तरीके से होती है। ये हमारे को जो है वो एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हमारे को जो है वो कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, एक तो हमारे को देखना है जिंक और एक देखना है Fe, जो ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होते हैं जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वो जैसे जैसे उसका जो रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम होता जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर क्या है, के यानी पोटेशियम, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब हमारे को इसके अंदर दो चीजें देखनी है, एक तो जिंक और एक फेरस, जिंक तो ये रहा और फेरस ये रहा। अब यहां पर देखो जिंक जो है वो फेरस से ऊपर आ रहा है, यानी कि ये उससे ज्यादा एक्टिव है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो ज्यादा एक्टिव होता है वो कम एक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जिंक जो है वो Fe को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, उसको बोल देगा भाई मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूं तू बाहर निकल मेरे को आने दे। तो यहां पर याद रखना जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं दिखाता हूं आपको अपने बोर्ड के ऊपर, आ जाते हैं वापस से,
मैंने अभी आपको क्या बोला, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एफ़ी को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो जिंक और एस ओ फोर यहाँ पर बन जाएगा, जेड एन एस ओ फोर जो है वो बन जाएगा और एफ़ी जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, इस तरीके से आपको जो है अपना परफेक्ट आंसर जो है वो लिखना है, अगर बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है तो। आंसर कैसे लिखना है, व्हेन ZN रिएक्ट्स विद FeSO4, जब जिंक जो है FeSO4 के साथ रिएक्शन करता है, द पेल ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो पहले जो पेल ग्रीन यानी कि जो लाइट ग्रीन जो कलर था सॉल्यूशन का, जो FeSO4 का जो सॉल्यूशन था पेल ग्रीन यानी कि लाइट ग्रीन उसका जो कलर था, इसको ये चेंज कर देता है, चेंजेस टू कलरलेस, इसको ये कलरलेस जो है वो बना देता है, इस सॉल्यूशन को जो है वो ग्रीन से किस में बना देता है, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज क्योंकि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन एफी, मैंने अभी आपको बताया ना जिंक जो है वो एफी से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये सॉल्यूशन का जो ग्रीन कलर था उसको कलरलेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, इसलिए जिंक ज्यादा एफी से क्या है, रिएक्टिव है, विल डिस्प्लेस इट, और इसलिए जो है वो जिंक जो है वो एफी को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और फाइन ग्रे पार्टिकल्स ऑफ एफी आर आल्सो सीन, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है रिएक्शन के बाद, इसके अंदर छोटे छोटे आपको ग्रे पार्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे, किसके, एफी के, जिस एफी को ये बाहर निकाल रहा है, ये एफी जो है वो बाहर निकल रहा है, ये छोटे छोटे हल्के फुलके आपको जो है ग्रे कलर के पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, किसके, एफी के। अब रिएक्शन कैसे होगी, जिंक को हम डाल रहे हैं किस सॉल्यूशन के अंदर, FeSO4 का जो सॉल्यूशन है, अब जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये Fe को हटाकर और खुद उसकी जगह पर चला जाएगा, यानी कि ZnSO4 बन जाएगा और Fe जो है वो बाहर निकल जाएगा। जो सॉल्यूशन पहले पेल ग्रीन था यानी कि हल्का फुल्का ग्रीन कलर का था, वो अब कलरलेस बन जाएगा, और जो Fe बाहर निकल रहा है FeSO4 से ये बाहर निकला है Fe, इसके हल्के फुल्के आपको पार्टिकल्स दिखेंगे ग्रे कलर के, जो Fe बाहर निकला है उसके ग्रे कलर के आपको पार्टिकल देखने को इसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है एज इट इज इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। देखिए FeSO4 का सॉल्यूशन जो है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हल्का ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है। जब इसके अंदर हम जिंक डालेंगे तो जिंक जो है वो Fe को रिप्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब ये उसको रिप्लेस कर दिया तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और ZnSO4 सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, तो यानी कि ग्रीन से अभी किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। और हमारे को जो Fe बाहर निकला है, Fe जो बाहर निकला है उसके पार्टिकल्स आपको ग्रे कलर के देखने को मिलेंगे, तो यानी कि सॉल्यूशन पेल ग्रीन से कलरलेस ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ZnFeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ZnSO4 बनेगा और Fe बनेगा, इस तरीके से जो आपको आंसर लिखना है। अब आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके अंदर आपको अपनी क्लास का सब कुछ फ्री के अंदर जो है वो मिल जाएगा। और साथ के साथ एक चीज़ और करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट डाउन कर लो, जिससे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को WhatsApp पे डायरेक्ट मैसेज कर सको, या फिर नोट्स वगैरह अगर आपको लेने हो तो मे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, 8696608541, ये जीरो है, तो 8696608541 ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप मेरे को WhatsApp पे मैसेज करके अपने नोट्स ले सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।
तो अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना तो आपका काम है, वीडियो को शेयर करना आपका काम है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपका काम है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।